अंतरिक्ष में चला गया। विस्फोट वाली जगह पर एक 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे का सारा मैटर आसमान में धूल के एक बड़े बादल का निर्माण किया। इतने बड़े टक्कर की वजह से भूकंप की तरंगे धरती के क्रस्ट में कई किलोमीटर दूर तक चली गई। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया का आरंभ हो चुका था। इस विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह से राख बन गए। पादपों के अंदर मौजूद सारा जल इस गर्मी के कारण भाप में बदल गया। इस महाविनाश में उड़ने वाले जीव इन जमीनी खतरों से बच गए थे, लेकिन ये तो बस महाप्रलय की शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों मीट्रिक टन धूल और पत्थर अंतरिक्ष में गया था, ठीक 40 मिनट बाद वो आग के गोले के रूप में धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना असंभव हो गया था। कई सालों तक धरती पर सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाई और इसके परिणाम स्वरूप धरती पर पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी खत्म हो गई थी। इस बादल ने धरती को चारों तरफ से ढक लिया था। विस्फोट के 90 मिनट्स बाद धरती का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाकों से बहुत दूर थे, वे भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय में धरती के कुल 75% आबादी पूरी तरह से साफ हो गई थी, लेकिन ये महाप्रलय किसी के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। डायनासोर का अंत एक नए प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर था, मैमल्स। इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए ये जमीन के अंदर रहने लगे और जिंदा रहने के लिए इसने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। इन डायनासोर्स के अवशेष आगे चलकर हमें भविष्य में मिलने वाला था, जिससे आज हम इनके अस्तित्व का अनुमान लगा सकते हैं। महाप्रलय के कुछ लाख साल बाद अब धरती पूरी तरह डायनासोर से मुक्त हो चुकी थी और धरती पर एक नई शुरुआत की प्रक्रिया चल रही थी। इस नई दुनिया में हमारे प्राचीन पूर्वज समय के साथ साथ विकसित हो रहे थे। अब ये आकार में पहले से काफी बड़े हो चुके थे, परंतु ये अब भी दिखने में हमारी तरह बिल्कुल नहीं लग रहे थे, क्योंकि इसे आगे चलकर कई अन्य प्रजातियों में विकसित होना था। आज से करीब 4.7 करोड़ साल पहले अब धरती का वातावरण लगभग पूरी तरह से आज के समान बन चुका था। इस वक्त धरती का तापमान 24 डिग्री